इसमें मर जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाली है, जहाँ वंश और रिधिमा की फिर से हो चुकी है इतना गैर अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से ना रिधिमा अपने आपकी गलती को सुधार नहीं पा रहे और ना वंश रिधिमा को अकेले में छोड़ना चाहते हैं। ये आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वंश रिधिमा से एक फीवर मांग वाले हैं। यस, रिधिमा जब वंश को छोड़कर रूम से बाहर जाने वाले होगी तब उसका रोक कर वंश उसे एक फेवर मांगने कहेगी, तो मुझे एक फेवर कर सकते हो? तो रिधिमा कहेंगे कैसा फेवर? तो सबको लगा था कि वंश शायद उसके रागिनी के बारे में पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वंश रिधिमा को बैठा देती है और उसके गोद में उस हो जाती है और वो सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, जो देखकर दर्शकों को आंखें तो फट जाएगी। और उसके बाद डायलॉग तो और सुपर था, और रिधिमा कह रही कि मुझे आज रात के लिए अकेले मत छोड़ो, क्योंकि मैं आज रात अकेला नहीं रह पाऊंगा। जो सुनकर रिधिमा बहुत ज़्यादा रोएगी, उसके आंखों उसे आंसू निकल कर आएगी और उसके पास बैठ जाएगा। और जब वंश सो जाएगी तब रिधिमा कहेगी कि आज तुम्हें अकेला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वजह से जो कुछ भी तुम्हारा साथ गलत हुआ है उसे मुझे ही सहन करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कभी से रागिनी को लाना होगा, और इसलिए मुझे तुम्हें आज अकेले छोड़ना चाहिए। ये कहकर उसे रूम में अकेले रखकर रिधिमा बाहर चली जाती है और वो सीधा जाकर मंदिर में भगवान के सामने ये सब लेती कि वो रागिनी को किस हाल में वापस लेकर आएगी और वंश की हालात की जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैं ही सब कुछ ठीक करके रहूँगा। और जब वो रहेगी तब कोई उसे फॉलो कर रहा होगा और उसे पीछे कोई देख रहा होगा, जो रिधिमा को शक होगा, इसलिए वो पीछे तरफ देखेगी, लेकिन तब वहाँ कोई नहीं था। तो कौन था वो छुपा हुआ इंसान जो रिधिमा पर नजर रखे? क्या वो वंश की तरफ से या फिर उसका भी कोई मकसद है? लेकिन वो कौन है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि रिधिमा कैसे रागिनी को वापस लाएगी, तो कैसे वंश को धोखे में रखकर काबिल के साथ फिर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी। इस फिर से रिधिमा काबिल के पास जाएगी, जाने के बाद देखिए कि काबिल वहाँ अपना चीज तोड़ रही, जो देखकर रिधिमा शॉक हो जाती है और वो जाकर कहते हैं कि रागिनी कहाँ है, फिर कहते हैं कि रागिनी को किसने किडनैप करके ले चुका है। तो जो उसमें रिधिमा तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो काबिल कहते हैं कि इसलिए मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो रिधिमा उसे बहुत भारत लगा रहे थे, मैंने रागिनी का समझ रखी मैं चुकी थी और तुम ये सब कुछ कर रहे, तुम उसे ठीक से राग भी नहीं पाए। तो काबिल कहते हैं कि मुझे कुछ करने से पहले रागिनी का कोई छाया की तरह आकर लेकर चला गया। तो रिधिमा को सुनकर ये भी कह देते हैं कि मुझे भी लगा था कि मेरे पीछे कोई आया था, फिर मज आप इंसान जो मुझे मोड़ा पीछे पीछे आ रहा था मुझे फॉलो करना था, लेकिन मैंने उसे पकड़ नहीं पाया, जो सुनकर काबिल को शॉक हो जाती है। आखिर इंसान है कौन? वो तो आने वाले कभी सब निकल चलेगी। तो रिधिमा तो वहाँ से खाली हाथ में लौट रहे और लौटा कर सोचती थी फैमिली में से कोई है जो वहाँ से खिलाफ है, तो कौन करता है? वो फैमिली को देखती है, हम उसे आर्यन और उनके पास रखता है, तो वो आर्यन के पास भी जाती है उसे कॉन्फर्म कर देती है, लेकिन आर्यन भी उसे तमन मार देती है क्योंकि उसके पास तो वो चीप है, तो उसके साथ अब आर्यन की जगह आ चुकी है। लेकिन दूसरे को तब आएगा जब उसे पता चलेगी कि वो मास्क आदमी कौन है। यस, हर मेरे उसमें पता चलेगा मास्क के पीछे कौन है और ये जानना बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाली है और शॉकिंग होगी।